आप सभी को मेरे बिल्ड BLR00 न्यू YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 20x25 500 स्क्वायर फीट नॉर्थ फेसिंग रेसिडेंशियल डुप्लेक्स हाउस प्लान को डिस्कशन करेंगे। एंट्री हम लोग नॉर्थ फेसिंग से करेंगे। इसे हम ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK बनाएंगे स्टेयरकेस के साथ और ग्राउंड फ्लोर प्लान को 2 BHK बनाएंगे विदाउट स्टेयरकेस। फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम्स बनाएंगे और वास्तु के अनुसार किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाएंगे, ओपन किचन रखेंगे इसको। डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया अटैच रहेगा एक साथ। स्टैंडर्ड साइज बेडरूम रखेंगे। ग्राउंड फ्लोर में एक कॉमन टॉयलेट बनाएंगे और फर्स्ट फ्लोर में एक कॉमन टॉयलेट बनाएंगे। स्टेयरकेस बिल्डिंग में एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड में बनाएंगे और फाइनली लास्ट में लेआउट प्लान बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रोफाइल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बिल्डिंग का साइज रहेगा हम 20x25। यहीं पर ग्राउंड फ्लोर का प्लान 2 बनाए हैं, एक स्टेयरकेस के साथ बनाए हैं और एक विदाउट स्टेयरकेस। एंट्री हम लोग नॉर्थ फेसिंग से इसी करेंगे और यहीं पर ड्राइंग एरिया बनाएंगे और इसमें हम लोग किचन के लिए बनाएंगे। यहीं पर 2 बेडरूम रहेगा, यहीं पर 2 BHK प्लान बनाएंगे तो अगर विदाउट स्टेयरकेस। और अगर हम लोग स्टेयरकेस के साथ 1 BHK बनाएंगे तो हम लोग इस तरह से नॉर्थ से एंट्री करेंगे। यहीं पर ड्राइंग एरिया बनाएंगे और यहीं पर कॉमन टॉयलेट एक रहेगा और स्टेयरकेस यहीं पर बनाएंगे। डाइनिंग के लिए यहीं पर यूज करेंगे और यहीं पर हम लोग किचन बनाएंगे और यहीं पर एक बेडरूम बनाएंगे, मास्टर बेडरूम। और अगर हम सेम प्लान को फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो यहीं पर तो स्टेयरकेस हम पहुँच कर यहीं पर पूरा हॉल एरिया को हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, ड्राइंग रूम के लिए। और यहीं पर एक टॉयलेट बनाएंगे और यहीं पर 2 बेडरूम्स रहेंगे। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं, ऑलरेडी इसका एक कंप्लीट प्लान बनाया है। चलिए सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को 2 BHK बनाएंगे विदाउट स्टेयरकेस। एंट्री हम लोग यहीं पर नॉर्थ फेसिंग से करेंगे, यहीं पर मेन डोर रहेगा 3 फीट 6 इंच का। उसके बाद हम लोग डाइनिंग रूम ड्राइंग हॉल में एंट्री करेंगे, उसका साइज रहेगा 18 फीट 4 इंच में 7 फीट 11 इंच। यहीं पर एक विंडो बनाएंगे ड्राइंग एरिया के लिए, यहीं पर यूज़ करेंगे और यहीं पर डाइनिंग एरिया के लिए। और ओपन किचन यहीं पर एक बनाएंगे 7 फीट 11 इंच में 5 फीट बनाएंगे। अगर यहीं पर आपको पार्टीशन देना है तो दे सकते हैं। और राइट साइड में यहीं पर मास्टर बेडरूम बनाएंगे। बेडरूम का साइज रहेगा 10 फीट में 10 फीट 11 इंच। और यहीं पर वार्डरोब बनाएंगे और यहीं पर राइट साइड में एक विंडो बनाएंगे और डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंच। उसी तरह यहीं पर और एक बेडरूम बनेगा 10 फीट में 12 फीट और यहीं पर वार्डरोब रहेगा और डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंच और यहीं पर एक विंडो बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। और यहीं किचन में ईस्ट फेसिंग यहीं पर एक विंडो बनाएंगे छोटा सा। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कॉलम्स और विंडो के साइज को चेंजेस कर सकते हैं। फ्रंट में 3 कॉलम्स रहेगा 10 इंच में 12 इंच और मिडिल और लास्ट में जितने भी कॉलम रहेगा 10 इंच में 10 इंच। तो आप लोग यहीं पर देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान को। अगर हम लोग 1 BHK बनाएंगे और स्टेयरकेस को अटैच करेंगे, रेसिडेंशियल के लिए बनाएंगे और इसे हम फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे, 2 बेडरूम्स रहेगा। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान को देखते हैं। एंट्री हम लोग नॉर्थ फेसिंग से करेंगे, यहीं पर 2 स्टेप बनाएंगे, अपने रिक्वायरमेंट अनुसार इसको चेंजेस कर सकते हैं। और मेन डोर का साइज रखेंगे 3 फीट 6 इंच। ड्राइंग रूम छोटा सा बनाएंगे, उसका साइज रहेगा 10 फीट में 8 फीट और यहीं पर उसके साथ अटैच करके कॉमन टॉयलेट बनाएंगे, 6 फीट में 4 फीट रहेगा। और डोर का साइज रखेंगे 2 फीट 6 इंच और यहीं पर ड्राइंग रूम में विंडो एक बनाएंगे और टॉयलेट के लिए यहीं पर वेंटिलेशन यहीं पर बनाएंगे और यहीं पर सेपरेट के लिए यहीं पर और यहीं पर एक ओपन डोर रखेंगे 3 फीट 6 इंच का। और स्टेयरकेस में फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए यहीं पर स्टेप इस तरह से रहेगा। स्टेयर रूम का साइज यहीं तक रहेगा, यहीं पर देख सकते हैं 12 फीट और वेट रहेगा 7 फीट 11 इंच। स्टेयर केस में टोटल 18 नंबर स्टेप रहेगा, यहीं पर स्टेप का वेट रहेगा 3 फीट रखेंगे। राइजर का साइज 7 इंच रखेंगे और ट्रेड का साइज 10 इंच रखेंगे। स्टेयर केस में यहीं पर एक छोटा सा विंडो बनाएंगे 2 फीट के और यहीं पर 3 फीट के एक बनाएंगे। और यहीं पर टोटल हॉल को हम लोग डाइनिंग एरिया के लिए यूज करेंगे और यहीं पर एक विंडो बनाएंगे 5 फीट का। ओपन किचन रखेंगे इसमें 5 फीट में 7 फीट 11 इंच रखेंगे और यहीं पर एक विंडो बनेंगे 3 फीट के। और राइट साइड में देखेंगे यहीं पर एक मास्टर बेडरूम बनेंगे 10 फीट में 10 फीट 6 इंच रहेगा इनर टू इनर। और यहीं पर एक वार्डरोब बनाएंगे और डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंच
फर्स्ट फ्लोर प्लान को डुप्लेक्स के लिए टू बेडरूम से बनाएंगे। ग्राउंड फ्लोर स्टेयरकेस में उठकर हम लोग फर्स्ट फ्लोर में यहीं तक लिविंग एरिया में पहुंचेंगे। तो हम लोग यहीं पर स्टेयरकेस रूम का साइज 12 फीट में 7 फीट 11 इंच रहेगा। स्टेयरकेस का साइज सेम रहेगा और डाइनिंग एरिया को हम लोग लिविंग एरिया के लिए यूज करेंगे। तो यहीं पर स्टेयरकेस यहीं से यहीं इनर वॉल तक हम लोग का 10 फीट 5 इंच आएगा और कॉलम यहीं से यहीं तक 6 फीट 5 इंच आएगा और वाइड सेम रहेगा 7 फीट 11 इंच। और यहीं पर एक कॉमन टॉयलेट बनाएंगे किचन के ऊपर, 4 फीट 6 इंच में 7 फीट 11 इंच रहेगा और यहीं पर वेंटिलेशन एक बनाएंगे। और यहीं पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में ग्राउंड फ्लोर मास्टर बेडरूम के ऊपर हम लोग यहीं पर एक बेडरूम बनाएंगे, उसका साइज रहेगा 10 फीट में 10 फीट 11 इंच, क्योंकि हम लोग कॉलम के बाहर साइड पे यहीं पर वॉल बनाए हैं, लेकिन यहीं पर ग्राउंड फ्लोर में इनर साइड में था इसलिए 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड हुआ। और यहीं पर वार्डरोब बनाएंगे और डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंच और विंडो का साइज 5 फीट रहेगा। ड्राइंग रूम के ऊपर एक बेडरूम बनाएंगे, 10 फीट में 12 फीट रहेगा और यहीं पर एक वार्डरोब बनाएंगे और यहीं पर एक डोर बनाएंगे। और यहीं पर सामने देख सकते हैं एक बालकनी बनाएंगे, वाइड रहेगा 3 फीट 6 इंच का और लेंथ रहेगा 11 फीट 3 इंच। और यहीं पर एक डोर बनाएंगे 2 फीट 6 इंच का। हम लोग इस तरह से 20x25 500 स्क्वायर फीट में इस तरह से बिल्डिंग प्लान को बना सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे आप चेंजेस कर सकते हैं और जितने भी डायमेंशन हैं फिर से चेक कर सकते हैं। इस बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाएंगे, बिल्डिंग में जितने भी फुटिंग्स रहेगा 5 फीट में 5 फीट और डेप्थ भी 5 फीट रहेगा, टोटल 9 नंबर रहेगा। और उसको चेंजेस कर सकते हैं आप, 4 फीट 6 इंच रख सकते हैं, 4 फीट 6 इंच में 4 फीट 6 इंच और डेप्थ 5 फीट भी रख सकते हैं। तो इस प्लान में हम लोग कॉलम का साइज डिफरेंस लिया है, C1 और C2, जितने भी C1 कॉलम रहेगा पिंक कलर का, 3 नंबर्स पिंक कलर का रहेगा, उसका साइज रहेगा 10 इंच में 12 इंच। और जितने भी रेड कलर का C2 कॉलम्स रहेगा 6 नंबर, उसका साइज रहेगा 10 इंच में 10 इंच। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देखेंगे तो कॉलम आउटर टू आउटर 20 फीट रहेगा और कॉलम सेंटर टू सेंटर 19 फीट 2 इंच रहेगा। तो उसी तरह वर्टिकली देखेंगे तो कॉलम आउटर टू आउटर डिस्टेंस रहेगा 25 फीट और कॉलम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 24 फीट 2 इंच और कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस रहेगा 30 फीट 10 इंच में 30 फीट 10 इंच इक्वल रहेगा बोथ साइड। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर फ्रंट बिल्डिंग के एंट्री से देखेंगे तो स्टेयरकेस रूम में फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 8 फीट 9 इंच और ड्राइंग रूम में कॉलम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 10 फीट 5 इंच। उसी तरह वर्टिकली देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में रहेगा 12 फीट 10 इंच और सेकंड एंड थर्ड कॉलम में रहेगा 11 फीट 4 इंच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पुराने वीडियो देखने के लिए प्रोफाइल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।